चीज हम अट्रैक्ट करते हैं, अगर हमारा कोई एक्सीडेंट भी हो गया तो हमने वो अट्रैक्ट किया, तो सर ये मतलब बात है, सर समझ नहीं आया मतलब इसकी। नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये ऐसा ही है, अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं है। ये तो कॉज एंड इफेक्ट की बड़ी लंबी चेन है और इसको तो तुम सीधे सीधे देख सकते हो। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉज एंड इफेक्ट। बस ये है कि कॉज इतने सारे हैं और इफेक्ट्स इतने सारे हैं कि उनको स्टोर करने के लिए सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा कंप्यूटर चाहिए। तुम्हें अगर सारे कॉज और सारे इफेक्ट पता हो तो तुम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, अज्यूमिंग कि सब कुछ मैकेनिकल है, अज्यूमिंग कि फ्री विल जैसा कुछ नहीं है, तो उसमें अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं है। तुम कह रहे हो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम यहां नीचे निकलते हो। अब ये बताओ कि ये तुम जा रहे हो और ये ट्रक आ रहा है, क्या इसी मूवमेंट पर ये पक्का नहीं है? और ये 10 मीटर की दूरी है, बस ध्यान से देखना, ये 10 मीटर की दूरी है बस। ये तुम जा रहे हो, ट्रक आ रहा है और ट्रक ड्राइवर ने पी रखी है। ट्रक ड्राइवर की जो हालत है, अभी 10 मीटर की दूरी है, ट्रक ड्राइवर की जो हालत है, क्या यहीं पर ये पक्का नहीं हो गया कि तुम्हें ठोकेगा ही ठोकेगा? कॉज क्या हुआ? कॉज ये है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, t=0 पे, कॉज ये है कि ट्रक तुमसे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है एंड द ड्राइवर इज इनएब्रिएटेड, ड्राइवर ने पी रखी है। तो बिना एक्सीडेंट हुए ही पहले से ही पक्का है कि एक्सीडेंट होगा, दुनिया की कोई ताकत ही एक्सीडेंट रोक नहीं सकती। ट्रक की जो मशीनरी है, इंजन है, वो ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता कि अचानक वो खराब हो जाए और ट्रक रुक जाए अपने आप, कोई और गाड़ी कहीं से आ नहीं रहेगी, वो बीच में आ जाएगी। तो बिना एक्सीडेंट हुए ही अब ये पक्का है कि तुम मरने वाले हो, एक्सीडेंट की प्रतीक्षा करनी भी बेकार है, यही पक्का हो गया। अभी एक्सीडेंट हुआ नहीं पर पक्का हो गया कि तुम मरने वाले हो, 10 मीटर की दूरी है, पक्का है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मैं खत्म हूँ। ठीक वैसे जैसे कि अगर कोई पेशेंट हो और कैंसर की लास्ट स्टेज में हो तो डॉक्टर बता देते हैं कि 1 महीना बचा है, कोई ताकत इसको बचा नहीं सकती, गया, वैसे ही तुम्हारा यहाँ पक्का है। इसको और पीछे ले जाओ, मतलब तुम्हारे मरने का कारण क्या था? कि ट्रक यहां पर है इस समय पर, ये ट्रक यहां पर है और इस ट्रक के होने से ही ये पक्का हो गया कि तुम गए। अच्छा, अब अपने आप को हटा दो, इस ट्रक का यहां होना क्या पक्का नहीं था जब ये ट्रक यहीं पर था? जब ये ट्रक यहां पर है तो पक्का है कि वो यहां पर भी होगा और इतने समय में ही होगा, मतलब तुम्हारा मरना तभी पक्का था जब ये ट्रक यहां पर था। और पीछे ले जाओ, और पीछे ले जाओ, और पीछे ले जाओ, जिस दिन उस ट्रक के आयरन के ओर की खुदाई हो रही थी उसी दिन पक्का हो गया था कि तुम इसी से मरोगे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें तुमने कोई अट्रैक्ट नहीं कर लिया है अपनी मौत को, ये सीधा सीधा कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल है, ये सीधा सीधा कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल है, इसमें कोई अट्रैक्शन वाली बात नहीं है। हमें वो कॉज एंड इफेक्ट दिखता नहीं है तो हमें लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो रैंडम है। रैंडम कुछ नहीं है, हर चीज कॉज एंड इफेक्ट के एक इनफाइनाइट नेटवर्क से निकल रही है। अब तुम चढ़ते हो ट्रेन पर, एक लड़की चढ़ती है ट्रेन पर और 3 साल बाद एक खानदान शुरू हो जाता है, फिर उनके बच्चे होते हैं और उनके बच्चे होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। 6 जनरेशन बाद जो घटने वाला है क्या वो उसी दिन नहीं तय हो गया था जिस दिन तुम दोनों एक्सीडेंटली एक ही डब्बे में चढ़ गए थे? और उससे पहले, और उससे पहले, और उससे पहले। इसमें बस एक मैंने अजम्पशन करा था, दैट देयर इज नो स्पेस फॉर फ्री विल, और उस फ्री विल का स्पेस वाकई जिंदगी में होता नहीं है 1000 में से 999 मौकों पे।
हजार में कोई एक होता है जो कहता है ये मैं करके आ रहा हूँ, साला हार्मोनल एक्शन है, मैं एक्साइट हो रहा हूँ, बॉडी अराउज हो रही है और मैं बहका चला जा रहा हूँ। हज़ार में कोई एक बोलता है। सिर्फ इस बंदे के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट काम नहीं करता। 999 लोगों का तो ये होना ही होना है कि अभी यहाँ पर एक बंदी आ जाए बिल्कुल, और फिर अपनी हालत देखो। अगर मैं यहाँ पर हज़ार जनों को बैठा दूँ तो 999 सर होंगे जो उधर ही चले जाएंगे, सारा ऑब्जर्वेशन उधर होने लगेगा। गई लिसनिंग, खत्म। काहे का टेंशन, काहे का ऑब्जर्वेशन, सब खत्म। तो किसी एक के साथ ऐसा होता है, या ये कह लो कि किस हम सबके साथ हजार में से एक मौके पर ऐसा होता है कि फ्री विल ऑपरेट करती है, वरना हम बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से चलते हैं, बिल्कुल प्री प्रोग्राम्ड तरीके से। उसी का नाम कंडीशनिंग है, उसी का नाम कॉज एंड इफेक्ट है कि बटन दबाया पंखा चालू, इसी का नाम मैकेनिकल होना है, इसी का नाम कॉज एंड इफेक्ट है, इसी का नाम कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग है। आ रही बात समझ में? सर ये तो आगे से वो वाली बात नहीं है जो आपने कही, सब डिसाइडेड है। अरे सब डिसाइडेड में मैंने कहा कि एक अजम्पशन है कि फ्री विल नहीं है। अगर सब एक बराबर भोंदू हों, अगर सभी सोए हुए हों, सभी नशेड़ी हों, तो पक्का है कि कॉज एंड इफेक्ट ही चलेगा। कॉज एंड इफेक्ट की चेन टूटती है बीच बीच में जब कोई एक आदमी अटेंटिव हो जाता है, या कि कोई एक बंदा ही जब अटेंटिव हो जाता है तब टूटती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसा मैंने कहा, वो हज़ार में से एक मौके पर टूटती है, 999 मौक़ों पर तो बस कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट। कॉज इफेक्ट क्या है? कॉज इफेक्ट ये है कि मैं तुम्हें कुछ बोलूँ और हम सबके बटन्स होते हैं। तुम देखो, एक्सपेरिमेंट होता है साइकोलॉजी में, हर बंदे को कुछ दो तीन शब्द ऐसे होते हैं उसकी ज़िंदगी में जिनको सुन लेता है तो वो एक्साइट हो जाता है, एंग्री हो जाता है। इसी तरीके से दो तीन वर्ड्स होते हैं उसकी ज़िंदगी में, वो दो तीन जो वर्ड्स हैं ना, किसी का नाम भी हो सकते हैं, वो दो तीन वर्ड्स होते हैं ज़िंदगी में जिनको सुन लेता है तो वो सेटल डाउन हो जाता है, कम्फर्टेबल महसूस करने लगता है। ये हमारे बटन्स हैं, ये कॉज एंड इफेक्ट हुआ। अब मान लो ये एक्स वाई जेड सुनते ही एंग्री हो जाता है, अब मुझे पता है मैं बोलूँगा एक्स वाई जेड, ये गुस्सा हुआ। अब मुझे पता है ए बी सी सुनते ही शांत हो जाता है। अब देखो क्या ये कॉज एंड इफेक्ट ये चल रहा है, एक्स वाई जेड ए बी सी और ये चल रहा है, और ये चल रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये अटेंशन में नहीं आ जाता। अटेंशन में आते ही ये रुक जाएगा, ये कहेगा मैं कर क्या रहा हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। दुनिया बोलती है एक्स वाई जेड, मेरे को खुंदक आ जाती है। दुनिया बोलती है ए बी सी, मैं कूल हो जाता हूँ। ये क्या बेवकूफ़ी चल रही है? पर वो सिर्फ 0.1% केसेस में होता है, बाकी टाइम तो हमारा ऐसा ही है। तुम देखो ना, कोई आता है तुमसे एक बात बोल देता है और तुम्हें पहले से ही पता है ये बात सुनते ही मेरे को खुंदक आनी है। कुछ लोग होते हैं उन्हें कोई खास गाली दे दो तो तुम्हें मारने दौड़ेंगे, वही गाली किसी और को दो वो नहीं मारने दौड़ेगा। जिल्टेड लवर्स होते हैं, बंदी धोखा दे के भाग गई है जो भी उनके साथ हुआ, उस बंदी का नाम उनके सामने ले लो, उसी नाम की कोई और बंदी आ जाए कितनी भी सही हो उसके साथ नहीं जाएंगे वो, वो नाम सुनते ही उनका कॉज एंड इफेक्ट इज अ ब्यूटिफुल थिंग एज फार एज मैटर गोज, दैट अलाउज प्रेडिक्टेबिलिटी। एंड कॉज एंड इफेक्ट मस्ट बी देयर, अदरवाइज द वर्ल्ड विल बिकम वेरी एरेटिक। तुम यहाँ पर आओ और इस ट्यूब का स्विच ऑन करो और ये ऑन होने से इनकार कर दे, ये कहे कॉज एंड इफेक्ट कोई जरूरी थोड़ी है। करंट आज फ्लो करेगा पर हम जलेंगे नहीं। तुम पानी को उबालो और 100 डिग्री हो जाए, वो कहे आज मूड नहीं, आज 105 पे। तुम पानी को उबालो और वो बोले आज मूड नहीं है, तुमसे किसने कह दिया कि 100 आते ही मेरा उबलना पक्का है? तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो नेचर ने पावर से कुछ ही लोगों को, हाँ। तो कॉज एंड इफेक्ट इज अ ब्यूटिफुल थिंग बिकॉज इट कीप्स द वर्ल्ड प्रिडिक्टेबल एंड ऑर्डरली। मैटर में कॉज एंड इफेक्ट बहुत शानदार चीज है, होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि इतने टेम्परेचर पे ये इसका कंबस्शन पॉइंट आ गया, तुम्हें पता होना चाहिए कि इतने प्रेशर पर ये गैस लिक्विफाई हो जाएगी।
ठीक है ना, तुम्हें पता है कि जीरो केल्विन अप्रोच नहीं हो सकता एंड ऑल दैट इज वेरी ओके। तुम यहां पे इसको उछालो और तुमको अगर एयर का रेजिस्टेंस भी पता है तो तुम पूरा कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी देर में वापस आएगा तुम्हारे हाथ में। ये सब कॉज एंड इफेक्ट है। पर जब बंदों के साथ यही चीज होनी शुरू हो जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये चीज मैटर के साथ हो कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी ही चाहिए, पर यह चीज हमारे साथ भी होती है। अभी से पता है कि तुम्हें क्या खबर दे दी जाए तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, अभी से पता है तुमसे क्या बोल दिया जाए तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। ये कॉज एंड इफेक्ट हो गया। अगर हम ऐसे जी रहे हैं तो फिर हम में और रुमाल में क्या फर्क है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम 10 लोग बैठो साथ में और गॉसिप ना करो? ठीक जैसे ये पक्का है कि 100 डिग्री हुआ नहीं कि पानी उबलेगा, वैसे ही अगर ये पक्का है कि तुम 10 लोग साथ बैठे और गॉसिप होगी तो तुम मैटर हो, फिर तुम जिंदा नहीं हो, तुम मैटर हो। समझ रहे हो? क्या ये हो सकता है कि वो बेल बजे और बाहर से आवाजें ना आए? और अगर ये बिल्कुल पक्का है कि कॉज है बेल का बजना और इफेक्ट है आवाज का आना, तो क्या ये जिंदा लोग हैं? ये मैटर है। बेल बजी नहीं आवाज आएगी, ये मैटर है। दिक्कत है ना? कभी ऐसा भी तो हो कि पानी बोले आज नहीं, या आज थोड़ा जल्दी, आज 95 पे उबलते हैं। ऐसा होता ही नहीं। कभी ऐसा भी तो हो कि तुम बोलो ना आज नहीं, बेल बजे या कुछ हो ले मैं वही नहीं करूंगा जो मैं हमेशा से करता आया हूं। I have free will. I am not dependent upon cause. वो free will देखने को नहीं मिलती ना। पॉजिटिव नेगेटिव तो लेबल है, लेबल। फ्री विल बस फ्री होती है, फ्रीडम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। वो लेबल तो तुम लगा देते हो। किसी को तुम्हारी फ्रीडम पसंद आई तो क्या बोलेगा? और किसी को फ्रीडम तुम्हारी नहीं पसंद आई तो क्या बोलेगा? तुम्हें खुद अपनी फ्रीडम पसंद आई तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हें अपनी ही फ्रीडम पसंद नहीं आई तो तुम क्या बोलोगे? फ्री विल सिर्फ फ्री विल होती है, उस पर कोई लेबल लगाने की जरूरत नहीं है।